यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने समन भेजा है। बीजेपी नेता सुरेश कर्मशी नखवा की याचिका पर राठी को समन जारी किया गया। उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस मामले में अब ध्रुव राठी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वो अब इन बीजेपी नेता का पूरा अब्यूजिव इतिहास पब्लिक करेंगे। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 24 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, बीजेपी के एक अब्यूजिव अंकल ने मेरे खिलाफ 20 लाख रुपए का कोर्ट केस दायर किया है क्योंकि मैंने उन्हें अब्यूजिव कहा था। क्यों इतनी बेइज्जती कराने का शौक है इनको? अब इन अंकल की पूरी अब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी और अन्य को मुंबई इकाई के बीजेपी प्रवक्ता सुरेश कर्मशी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। 19 जुलाई को साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने अंतरिम राहत के लिए नखवा की याचिका पर राठी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। चलिए पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 1 जून 2024 को यूट्यूबर एल्विश यादव ने एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा टाइटल से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। एल्विश के आरोपों का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने एक एक कर दो वीडियोस बनाए। पहला वीडियो माय रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स टाइटल से 7 जुलाई 2024 को और दूसरा वीडियो माय फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स टाइटल से 21 जुलाई 2024 को पोस्ट किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव राठी पर आरोप है कि पहले वीडियो में उन्होंने बीजेपी नेता सुरेश कर्मशी नखवा को हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा था। वीडियो में 6 मिनट 13 सेकंड पर ध्रुव राठी ने नखवा को हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स का हिस्सा बताया, लेकिन ये आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। नखवा ने ध्रुव राठी की इस वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। नखवा ने कहा, वीडियो में लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और निराधार हैं। ये आरोप दुर्भावना से लगाए गए हैं। याचिका में नखवा के वकील ने कहा कि इससे न केवल याचिकाकर्ता के चरित्र पर संदेह पैदा होता है बल्कि समाज में अर्जित किया गया सम्मान भी धूमिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि राठी ने संदेह और अविश्वास के बीज बोए हैं जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के आरोपों के नतीजे ऐसे निशान छोड़ सकते हैं जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है अरविंद शर्मा, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।